केस स्टडी क्या गिवन है कि परफेक्ट ईडीयू सर्विसेज लिमिटेड इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज प्लानिंग टू सेट अप इट्स इंडिया कैंपस एट चेन्नई विद इट्स हेड ऑफिस एट दिल्ली. राइट, सो द चेन्नई कैंपस हैज फोर मेन बिल्डिंग्स: एडमिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड मीडिया. You as a network expert have to suggest the best network related solutions for their problem. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 to 4 questions हैं. क्यों questions हैं 1 to 4, 5 क्यों नहीं है? अब ये तो 5 mark का question है, क्योंकि ये previous year question papers में से लिया गया question है, और इससे पहले CS में ये question 4 number का आता था हमें, but अब से ये IP और CS दोनों में 5 marks का आएगा. So आप पिछले कितने भी साल के paper उठा के देख लो, आपको ये question हर paper में मिल जाएगा, and this is question number 7 का part. सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ कंप्यूटर साइंस पेपर, ये नेटवर्क के ऊपर बेस्ड होता है, ये सारे क्वेश्चन नेटवर्क के ऊपर बेस्ड हैं इसमें, एंड दिस क्वेश्चन कम्स एज अ पार्ट ऑफ दैट. ठीक है, सो चार ही नॉर्मली यूनिट्स दी होती हैं, तो चेन्नई का कैंपस दिया है जिसमें चार यूनिट्स हैं, हेड ऑफिस है दिल्ली में. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है. क्वेश्चन में सबसे पहली चीज होती है डिस्टेंसेज बिटवीन द यूनिट्स. पैटर्न देख रहे हो, हमेशा सेम है, और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 15 साल से सेम पैटर्न आ रहा है. ऐसा ही पैटर्न हर बार आता है. राइट, सो वी हैव एडमिन टू इंजीनियरिंग, एडमिन टू बिजनेस, एडमिन टू मीडिया. सबके डिस्टेंसेज दिए हुए हैं, दिल्ली और चेन्नई का भी दिया हुआ है. ठीक है, दूसरी चीज़ हमें एक टेबल दिया होता है जहाँ पे ये बता देते हैं कि हर किसी में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने, एडमिन में कितने कंप्यूटर्स हैं, इंजीनियरिंग में कितने कंप्यूटर्स हैं, एंड सो ऑन. सो यू आर गिवन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. राइट, उसके बाद चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी जनरली टिपिकल होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड. तो कुल मिला के आपके पास 15-20 क्वेश्चन बनते हैं जिसको घुमा फिरा के हर क्वेश्चन में दिया जाता है, जिसमें से एक सबसे सबसे कॉमन और जो 100% तो आई वोंट से बट 90% चांस है कि आएगा ही आएगा, दैट इज सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर इनसाइड द चेन्नई कैंपस, दैट इज आउट ऑफ द फोर बिल्डिंग्स, टू गेट द बेस्ट कनेक्टिविटी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. जस्टिफाई योर आंसर. तो सर्वर कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है ना, सबको पता है. सो ये क्वेश्चन जो आपका आता है उसमें जहाँ सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, सो एडमिन बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, सो वी शुड प्लेस द सर्वर ओवर देयर. तो इसको आप आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर आप लिखोगे दैट सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन एडमिन बिल्डिंग. राइट, सिंस इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. सो सर्वर शुड बी प्लेस इन एडमिन बिल्डिंग सिंस इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. सो दैट इज योर प्लेसमेंट ऑफ सर्वर. और जस्टिफिकेशन क्या है, सो जस्टिफिकेशन में क्या होता है कि वी हैव अ रूल जिसे हम 80-20 रूल कहते हैं. सो आपको इसकी और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट एज पर 80-20 रूल The server must be placed in unit having maximum computers so that services are provided at a fast pace. ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो आंसर. सो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया 1 mark का. सेकेंड पूछा जाता है केबल लेआउट. ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो पक्का होगा ही होगा. सो सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशियंटली कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग्स विद इन द चेन्नई कैंपस फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स. इसमें दो आंसर्स बनते हैं, मैं हर क्वेश्चन में आपको दोनों आंसर्स करके दिखाती हूँ. लास्ट क्वेश्चन होगा आपके पेपर का, ये 40th क्वेश्चन, तो आप पहले भी लास्ट ही होता था. सो आप इसमें दोनों ऑप्शंस ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप सिर्फ पहली भी ड्रॉ करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. हमने सर्वर रखा है एडमिन में, ठीक है. सो जैसे इन्होंने ये बनाया है, हम ऐसे ही अपना यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, एडमिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस, मीडिया. सो यू हैव एडमिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड मीडिया. सो यहाँ पे सबसे ऑब्वियस जो बनता है लेआउट वो है स्टार टोपोलॉजी का, कि जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स थे उसको आपने बाकी की यूनिट्स के साथ कनेक्ट कर दिया. तो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया इंजीनियरिंग के साथ, बिजनेस के साथ और मीडिया के साथ. सो दिस इज हाउ वी फॉर्म द कनेक्शन. यहाँ पे टोपोलॉजी नहीं पूछी है, पर फिर भी आप लिख सकते हो कि दिस इज स्टार टोपोलॉजी. ठीक है, दूसरा लेआउट जो यहाँ पर पॉसिबल होगा वो कौन सा होगा, जिसमें केबल सबसे कम चाहिए होगी. सो आप इसकी केबल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो जो हमने बनाया है. हमने क्या किया, एडमिन को इंजीनियरिंग से, मीडिया से और बिजनेस से लिंक किया है. तो
तो 55 प्लस 90 प्लस 50 सो दैट विल बी 195. तो ये 195 बन गया मेरे पास. ठीक है, अब मैं दूसरा सोचती हूँ, अगर मैं बिजनेस को मीडिया से कनेक्ट करूँ तो 45 चाहिए होगा. ठीक है, फिर इंजीनियरिंग को मीडिया से कनेक्ट कर रहे हो तो 50, और इंजीनियरिंग और बिजनेस को कर रहे हो तो 55. ये बनेगी बस, और इसमें हमें चाहिए सिर्फ 150. सो यहाँ चाहिए था आपको 195, बट अगर आप इनको कनेक्ट करते हो लाइक इंजीनियरिंग को बिजनेस से, बिजनेस को मीडिया से. ठीक है, इंजीनियरिंग को मैंने किया बिजनेस से, बिजनेस को मीडिया से, और मीडिया को एडमिन से. तो एक लाइन में कनेक्ट हो गए सारे, है ना. तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, वी विल मेक, सबसे पहले कोई सा भी बना लो. सो यू विल मेक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एरो नहीं बनाना, सिर्फ लाइन बनानी है. इंजीनियरिंग इज कनेक्टेड विद मीडिया, 50 मीटर का गैप है इंजीनियरिंग और मीडिया का. सो इंजीनियरिंग और मीडिया को कनेक्ट किया, दैट इज 50 मीटर. उसके बाद मीडिया को कनेक्ट किया बिजनेस के साथ, दैट इज 45, या आप उसको कर सकते हो एडमिन के साथ. सो इंजीनियरिंग को हमने बिजनेस के साथ किया है. आप इंजीनियरिंग को बीच में रख के एडमिन, बिजनेस और मीडिया को भी कनेक्ट कर सकते हो, वो स्टार हो जाएगा. सो अगर मैं इंजीनियरिंग को बीच में रखूं, मैं उसको एडमिन से भी कनेक्ट कर दूं, मैं इंजीनियरिंग को बिजनेस से भी कनेक्ट कर दूं, मैं इंजीनियरिंग को मीडिया से भी कनेक्ट कर दूं, तो मेरा 160 मीटर बनता है. ठीक है, राइट. सो ऐसे आप चूज कर सकते हो. अभी हम क्या कर रहे थे, हम बस वाला देख रहे थे. तो इंजीनियरिंग टू बिजनेस हो गया, बिजनेस टू मीडिया हो गया, एंड देन मीडिया टू एडमिन. सो इंजीनियरिंग टू बिजनेस मैंने बनाया है, नहीं मैंने इंजीनियरिंग टू मीडिया बनाया. तो हम मीडिया नहीं बनाएंगे, इसकी जगह पे हम पहले बिजनेस ले लेते हैं, तभी हमें छोटा मिलेगा. सो बिजनेस को हमने किया मीडिया से, और मीडिया को किया एडमिन से. तो ये आपको सबसे कम केबल लेंथ दे रहा है. ठीक है, एरो मत बनाना, एरो मैंने गलती से बना दिया. सो इट शुड बी स्ट्रेट लाइन. और ये टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, बस. सॉल्यूशन क्या होगी, इट यूजेस मिनिमम केबल लेंथ. और स्टार वाले की जस्टिफिकेशन क्या होती है, कि दैट प्रोवाइड्स फास्टर सर्विसेज. तो उसमें सर्विसेज फास्ट होती है, इसमें केबल कम से कम चाहिए होता है. ठीक है, सो हो गया लेआउट. अब अगला क्वेश्चन है, विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू बी प्रोक्योर्ड बाय द कंपनी टू बी इंस्टॉल्ड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द इंटरनेट यूजेस विद इन द कैंपस. टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल, इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करना है, उसको प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल करना है. सो उसके लिए हमारे पास होता है फायरवॉल. सो फायरवॉल इज अ हार्डवेयर कम सॉफ्टवेयर डिवाइस, राइट. सो इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चीजें यूज होती हैं. सो जहां पे भी प्रोटेक्शन की बात आ जाएगी फ्रॉम इंटरनेट, वी नीड अ फायरवॉल. सो इसका आंसर होगा फायरवॉल. ठीक है, अगर होता कि प्रोवाइड करना है इंटरनेट, फिर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन आंसर आता. Which of the following will you suggest to establish the online face-to-face communication between the people in the admin office of Chennai campus and Delhi head office? अब चेन्नई और अब जैसे आप और मैं हैं, अगर मैं हम face to face कोई call करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? Would I do it through cable TV? नहीं ना, email से भी नहीं होगी, text chat से तो बिल्कुल ही नहीं होगी. तो option क्या बचा? Video conferencing. तो अगर मुझे face to face call करनी है, that type of call is called video conferencing. राइट, अंडरस्टूड द आंसर्स. तो ये दो फर्स्ट दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो टिपिकल हैं, आते ही आते हैं. उसके बाद जो तीन क्वेश्चंस और होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं आपको. सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस केस स्टडी क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो अगर आ गया है तो वीडियो पे लाइक का